कैसे आप सब, आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त अहमदाबाद स्टेशन, पीछे हमारी ट्रेन है 8902 IRCTC अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस। इसमें करेंगे, देखते हैं कैसी रहती जर्नी, कैसा रहता एक्सपीरियंस, और सबसे इंटरेस्टिंग ये बात कैसा रहता है सफर। तो ये ट्रेन सारे दिन चलती है, सिर्फ थर्सडे के दिन नहीं रहती है और संडे को भी चलती है। तो संडे को जो मॉर्निंग के ऑप्शन में, जबकि डबल डेकर एसी वाली नहीं रहती है, तो इसका बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन इसका फेयर ज़्यादा रहेगा वो डबल डेकर से। चलिए अंदर चलते हैं। C1 मेरा कोच है, दिल्ली पीछे ही है, देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस C1 में हमारा कैसा। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, तो जब ट्रेन चलती है तो उस वक्त ये डोर ओपन नहीं होते हैं, सिर्फ रुकने के समय अपने स्टॉप पे तभी ओपन होते हैं। और ये स्लाइडिंग डोर था और ये 3x2 का सेटअप है, जैसे कि कोई भी एसी चेयर कार में होता है, लेकिन इसका क्रीम या येलोइश शेड है। चलिए बैग रखते हैं, फिर डिपार्चर देखते हैं। ठीक 6:40 पे हमारी ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से चल दी है, और सामने जो आप लाल ट्रेन देख रहे हैं वो है लेजेंडरी गुजरात मेल, जो थोड़ी देर पहले ही आई थी। और हमारी ट्रेन का फेयर भी आपको बता दूं, अगर आप एसी चेयर कार में, यानी कि जो क्लास में मैं जा रहा हूँ उसमें जाएंगे, तो आपको देने पड़ेंगे 1680 रुपये। और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे तो वो है 2370 रुपये। तो चलिए देखते हैं ये 1680 रुपये वर्थ है या नहीं। और हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो है 37409 WAP7, सरप्राइजिंगली कानपुर शेड का है। चलिए देखते हैं कब मिलती है मॉर्निंग टी। तो ये मैं 1 लीटर की पानी की बोतल देना स्टार्ट कर दिया है, तो ये अच्छा है कि 1 लीटर की पानी की बोतल है, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह आधे लीटर की पानी की बोतल नहीं है। ये है वाइप, ये है ऑरेंज फ्लेवर का यूनिबिक का बिस्किट, और ये है टी का पैकेट जो कि प्रीमिक्स है, अदरक के फ्लेवर का जिंजर, और ये हैंड सैनिटाइज़र है, आप यूज़ कर सकते हो, पानी का कप है, और ये चाय है। तो ये सब सामान मिला था हमें मॉर्निंग टी में, ये काफ़ी अच्छा था कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा कि बिस्किट भी अलग फ्लेवर का था। और स्पीड तो ट्रेन की अच्छी थी, 130 की स्पीड थी, और कुछ ही दरमियान में हम 7:20 पर नडियाड जंक्शन पहुँचे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में। यहाँ पे हमारी ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकी और 7:23 पे यहाँ से चल दी थी। थोड़ा सा आराम किए और फिर तुरंत ही हम पहुँच गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप, जो कि है वडोदरा जंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सब ट्रेन रुकती है, और यहाँ पे कई बार तो कुछ ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड भी चेंज होते हैं। यहाँ से एक रेलवे लाइन दिल्ली की तरफ जाती है और एक रेलवे लाइन जाती है अहमदाबाद की तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं, और एक जाएगी मुंबई की तरफ। तो इसलिए ये जंक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिवीजन भी है। और हमें इस दरमियान में कुछ ऐसा खान पान में तो नहीं मिला था, मुझे लगता है वडोदरा के छूटने के बाद जो कि हो रहा है इस वक्त डिपार्चर, हमें मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें नाश्ते में। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वडोदरा जंक्शन से ट्रेन चली और नाश्ता देना स्टार्ट कर दिया था। और नाश्ते में है, ये है थेपला, वो है पोहा, ये मीठे में चोको पाए हैं, और ये है नमक, वाइप, पिकल, अचार और दही और जूस। तो ये ओवरऑल है नाश्ता। चलिए खा के आपको बताता हूँ कैसा है ये नाश्ता, जो कि वेज चॉइस है। और ये मैंने चाय मंगाई थी जो कि मसाला फ्लेवर की थी, तो ये काफ़ी अच्छी थी अदरक वाले से। और नाश्ता मैं कहूँ तो ठीक था यार, कोई ऐसा खास नहीं था। पोहा और थेपला कोई ज़्यादा गर्म नहीं था, थेपला तो बिल्कुल ही गर्म नहीं था। और इस वक्त हम पहुँच रहे हैं भरूच जंक्शन, खैर नाश्ता तो मैं कहूँगा ओके था, क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था। अब हमारी ट्रेन भरूच जंक्शन से 8:53 पर चल दी है, इसके बाद ही हमें तुरंत मिलेगा नर्मदा नदी का पुल, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये है नर्मदा नदी का ब्रिज, ये इस बार की बारिश में, यानी कि 2023 की बारिश में बहुत ही ज़्यादा भर गई थी, क्योंकि यहाँ पर आई थी बाढ़, और इस वजह से भरूच शहर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और काफ़ी जगहों पे पानी भर गया था। पानी का इतना ज़्यादा बहाव था कि ट्रेन को कुछ दरमियान तक तो रोकना भी पड़ा था, ताकि कोई भी पैसेंजर या ट्रेन की कोई भी परेशानी या दुर्घटना वाली स्थिति में ना पहुँचे, पानी इतना ज़्यादा था। और ये नदी की महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, पश्चिमी तट पर बहने वाली जो नदियों में है ये सबसे बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश और गुजरात की तो इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है। धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्व है इसका,
काफ़ी इम्पोर्टेंट डैम्स भी इसके ऊपर बने हुए, और पानी की सिंचाई इससे बहुत होती है दोनों ही जगह के लोगों के लिए, यानी मध्य प्रदेश के हों या गुजरात के हों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद थोड़ी देर में हमारी मुलाकात होनी चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो कि ज़बरदस्त ट्रेन है, इस ट्रेन का कॉम्पिटिटर है। जब वो लॉन्च हो रही थी तो IRCTC ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि अहमदाबाद से मुंबई वो सुबह ना चलाई जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बिजनेस पे उस ट्रेन का प्रभाव पड़ सकता है। और चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम वंदे भारत की क्रॉसिंग। ये हमारी ट्रेन इस वक्त ताप्ती नदी को क्रॉस कर रही है, काफी स्लो है क्योंकि ताप्ती नदी का पुल भी सूरत स्टेशन के काफी पास है। नर्मदा नदी का पुल तो ऐसा है कि भरूच स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही दिखता है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, और इसीलिए काफ़ी टाइम अगर ट्रेन सूरत की तरफ जा रही है, वडोदरा से अगर आ रही है, तो वो थोड़ी सी स्लो हो ही जाती है। और ये नदी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पश्चिमी तट में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली तो आपको बता ही चुका नर्मदा नदी। 1960 में कभी कोई साल में बाढ़ यहाँ पर आई थी और सूरत शहर में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग भी मरे थे। उसके बाद इस नदी के ऊपर डैम बनाए गए थे, एक बहुत बड़ा ब्रिज भी है सेंट्रल रेलवे के साइड पे, भुसावल से अगर आप खंडवा इटारसी की तरफ जाएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। और इस नदी की भी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से जैसे ही थोड़ी देर हमारी ट्रेन आगे चलेगी तो हम पहुँचेंगे सूरत, चलिए मिलते हैं डायमंड सिटी में। तो 9:30 से ज़रा सा ऊपर है, 9:32 हुआ है और हमारी ट्रेन सूरत पहुंची है। तो डीले अगर मैं कहूं तो हमारी ट्रेन का 5 मिनट के आसपास ही रहा है, कोई ज़्यादा डीले नहीं रहा है। और अगर आप अहमदाबाद से सूरत आ रहे हैं तब तो ये ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आप नाश्ता भी ट्रेन में ऑन बोर्ड कर ही सकते हैं और सूरत जाके आप अपना काम तुरंत स्टार्ट भी कर सकते हैं। अहमदाबाद से सूरत के लिए तो ये ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, 3 घंटे से भी कम वक्त में हम पहुंच गए हैं सूरत अहमदाबाद से। अब आगे देखते हैं कैसी रहती पंक्चुअलिटी, स्टॉप्स भी कोई खास नहीं है, सिर्फ एक वापी स्टेशन है जो कि हमारा आखिरी स्टॉप रहेगा गुजरात में, उसके बाद तो डायरेक्ट है बोरीवली। खाना हमें मिलेगा लेकिन खाना हमें वापी के बाद ही मिलेगा। और इस ट्रेन की एक खासियत आपको बता दूँ, चाय कॉफ़ी अनलिमिटेड है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जब मन हो, सुबह का वक्त रहता है, काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि हमें चाय पीना है, सब कुछ फेयर में इंक्लूडेड है, चाय कॉफ़ी और पानी के मामले में। आप बस स्टाफ को बोलिए और जो आपको चाहिए वो आपको वो अगर रहेगा अवेलेबल तो दे देंगे। 9:38 पर हमारी ट्रेन सूरत स्टेशन से चल दी थी, इसके बाद मैंने मंगाई थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी भी ढंग की थी, वही नेस्कैफे की कॉफ़ी है, तो ऐसा डिफरेंटली बनानी पड़ती है गर्म पानी और मिल्क पाउडर डाल के। और ये हमारी ट्रेन स्किप कर रही है वलसाड स्टेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है इस रूट पे, लेकिन काफ़ी सारी ट्रेन इस पे रुकती भी हैं, और कुछ हाई प्रीमियम ट्रेन यानी कि तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत, मुंबई राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसी ट्रेन नहीं रुकती है। अब इसके बाद हमारी मुलाकात हम करते हैं वापी पे, पता नहीं क्यों स्लो हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा था फास्ट स्किप होना चाहिए था लेकिन ये तो स्लो ही होती जा रही, शायद आगे कोई क्लियरेंस नहीं, देखते हैं कब पहुंचती हमारी ट्रेन वापी पे। अभी सचिन ने हल्का स्लो हुआ था। तो हमारी ट्रेन वापी पहुंची 11 बजे, तो डीले तो 25 मिनट का हो गया। रन सूरत से वापी तक कोई खास नहीं था, वलसाड भी ठीक स्पीड थी जैसा कि आपने देखा, और ये अब हमें खाना मिलना चाहिए जैसे कि मैंने बताया, और मुझे उम्मीद भी थी कि खाना वापी के बाद ही मिलेगा। और अब देखते हैं खाना कैसा रहता है, कुछ और स्क्रिप्ट भी दिखाऊँगा और बताऊँगा कि खाना अच्छा रहता है कि नहीं। इसीलिए काफ़ी लोग कर्नावटी एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रेटी मच इससे आप जाएंगे तो आप मुंबई पहुंचेंगे तो आपको हाफ ही डे मिलेगा,
12 के बाद तो बोरेली पहुंचती है, 1 बजे तो मुंबई सेंट्रल, ऊपर से लेट हो जाए तो बात ही खत्म। चलिए वो भी पंक्चुअलिटी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि खाना हमारा कैसा रहता है। जैसा एक्सपेक्टेड था खाना वापसी के बाद दिया है, और खाना तो कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग है। वेज बिरयानी दिया है और दही है, मैं आपको खोल के अभी दिखाता हूँ, और ये कुछ अलग ही और वियर्ड लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा है खाना और फिर मैं आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा है। तो ये है खाना, वेज बिरयानी और ये कोई टाइप ऑफ करी है। सबसे इंटरेस्टिंग, वंदे भारत का कवर इस करी के ऊपर लगा था, वो भी उल्टा करके। तो मतलब आप समझ सकते हो क्या गहराई है इसके अंदर। ये भले नाम है IRCTC प्राइवेट, लेकिन वंदे भारत का यूज़ हो रहा है, खाना है उसका है नहीं है क्या पता। ये वेट वाइप है, सैनिटाइजर, कर्ड और सॉल्ट, और ये है कटलरी। चलिए खाते हैं इसे, और प्रिटी मच आपको मैं बताता हूँ फाइनली कि ये जर्नी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है या कैसी है। पहले तो इसको खाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका क्वालिटी और टेस्ट और क्वांटिटी भी कैसा रहता है। तो ट्रेन पहुँची है बोरीवली करीबन आधा घंटा लेट। तो ये मेगा ब्लॉक का असर है, और इसीलिए प्लेटफॉर्म भी दूसरा यूज़ करके पहुँचा है। जो स्लो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है उस पर एक्चुअली आई है, जनरली इस पर नहीं आती है, क्योंकि गोरेगांव और बोरीवली के बीच में शायद मेगा ब्लॉक है फास्ट लाइन पे। चलिए देखते हैं आगे कैसा सफ़र रहता है, मुंबई सेंट्रल कब पहुँचती है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा कोच लेआउट के भी बारे में बता दूँ। खाने के बारे में बताऊँ तो क्वान्टिटी सही थी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, और क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ठीक था। बस सिर्फ स्पाइसी ज़्यादा, राजस्थान में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है तेज़ मसाला, लेकिन ये तो कुछ और ही मामला था। खैर ठीक है, मुझे तो पसंद है। अगर आपको स्पाइसी फूड नहीं पसंद है तो आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। अब देखते हैं कोच का लेआउट और फिर मिलेंगे मुंबई सेंट्रल पे। ये कोच लेआउट है, आप देख सकते हो रीडिंग लाइट है, हुक्स है, और ऐसे बॉटल होल्डर है सेंटर में, और ये एक कॉल बेल भी है जो कि आप देख रहे हो। तो अगर आपको अटेंडेंट को बुलाना है तो आप कॉल बेल यूज़ कर सकते हो, और अटेंडेंट आपको हेल्प कर सकता है या कैटरिंग स्टाफ आपको हेल्प कर सकता है। और रहा सवाल जो स्क्रीन पे प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो ब्लाइंड है, वो एक्चुअली इस तरह से दिखता है, और यहाँ पे उसकी बटन से जो कि ऊपर उसको अप एंड डाउन कर सकती है। ये हमारी ट्रेन अंधेरी स्टेशन स्किप कर रही है, अब अपनी ओरिजिनल फास्ट लाइन पे आ गई है। तो ट्रेन की स्पीड तो काफ़ी बढ़िया और अच्छी है, और अब देखेंगे आगे बांद्रा और दादर जो दो इम्पॉर्टेंट स्टेशन है जहाँ पे हर फास्ट लोकल रुकती है, वहाँ पे स्पीड कैसी रहती है। इस ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट भी होता है, अगर आपकी ट्रेन कहीं से पहुँच रही है या आप ट्रेन में आए हैं तो वो आपको पता चल सकता है अनाउंसमेंट के ज़रिए से। इस वक्त हमारी ट्रेन बांद्रा स्टेशन अच्छी स्पीड पे स्किप की है, चलिए देखते हैं दादर, और ये दादर पे भी ज़बरदस्त स्पीड पे स्किप करी। और ये जो सामने लाल ट्रेन है, ये है बीकानेर से आई हुई बीकानेर दादर एक्सप्रेस 12489, अभी ये थोड़ी देर में वापस दादर से बीकानेर जाएगी। तो वो था कुछ बढ़िया स्किप अंधेरी का, बांद्रा का, दादर का, और अब हमारी ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंच रही है। और डीले तो है लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कवर अप हो गया, शायद मेगा ब्लॉक नहीं रहता तो टाइम पे ही पहुंच जाती मुंबई सेंट्रल। खैर जर्नी अच्छी थी, लेकिन हाँ वैल्यू फॉर मनी अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली कर्नावटी एक्सप्रेस AC डबल डेकर बेहतर है मेरे हिसाब से, इकोनॉमिकल भी है और प्लस कोई खाना ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको अवॉइड करना हो, वरना कोई बात नहीं। अगर आपको इमरजेंसी में लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, करंट अवेलेबिलिटी में काफ़ी टाइम आपको सीट मिल सकती है। चलिए मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, और देखिए अब आप मुंबई सेंट्रल का अराइवल।